हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका वीरेन के व्लॉग्स में। सानवी आपको दोस्तों गुड मॉर्निंग बोलना चाहती है ना सानू? से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों रोज की तरह सुबह हम थोड़ी सी पूजा कर लेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे ऑफिस। तो दोस्तों अभी मैं और कौशल आए हैं निया स्टोर, जो हमारे ऑफिस के जस्ट नीचे ही है, और हम लोग लेंगे यहाँ से जोलो चिप। तो आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं जोलो चिप चैलेंज, जिसको बहुत लोग वन चिप चैलेंज भी कहते हैं, और उसमें पार्टिसिपेंट्स चार हैं। तो वो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले जोलो चिप्स खरीद लेते हैं। हेलो अंकल। हेलो सर। कितने हैं आपके पास जोलो चिप्स अभी? अभी हमारे पास दो ही हैं। क्या बात कर रहे हो? क्यों, क्या हो, कितने चाहिए? मुझे चार चाहिए थे। कभी चाहिए? अभी अभी तो मुश्किल है, मिलेगा बटी? हाँ, एक में दो ही आता है। दो पीस आता है? हाँ, एक में वो दो रहता है, हाफ रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगा इसमें वन एक ही चिप रहता है। एक चिप है लेकिन वो दो आधा रहता है। ओके, ठीक है। कितने का एक बोला आपने? ये 299। ठीक है, कर दो ये भाई। ऑल द बेस्ट। और क्या कर रहे हो आप? वह अभी सोच रहे कुछ आइसक्रीम लेने के लिए। ठंडा तो लेना ही पड़ेगा, चाय पीने के लिए कुछ तो चाहिए। और यू कैन ट्राई अमूल कूल। अमूल कूल लेते हैं बट भाई कितना भी ना पर आइसक्रीम तो लगेगा भाई। तो दोस्तों हम लोग ने दो जोलो के चिप्स लिए हैं। वैसे मैं सोचा था कि हम लोग चार लेंगे क्योंकि चार लोग हैं, पर अंकल ने कहा कि उनके पास दो ही अवेलेबल है। पर उन्होंने कहा कि इसमें दो शीट्स होते हैं, दो चिप होते हैं एक में, तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो स्पाइस लेवल तो मुझे लगता है कि इक्वल ही होगा, है ना? तो पता चलेगा अभी कैसा है। इसके साथ हमने लिया है ये अमूल कूल के 8 बॉटल्स। तो देखते हैं क्या हम इस हीट लेवल को झेल पाएंगे या नहीं। धारावाहिक की काल्पनिक कथा है, ये किसी भी भाषा शैली या क्षेत्र के विचार को व्यक्त नहीं करता। इस धारावाहिक की धारा औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक चैलेंज करने वाले हैं, चैलेंज के कंटेंडर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कंटेंडर तो मैं हूँ, दूसरा कंटेंडर है कौशल, तीसरी है अपेक्षा, और चौथा है हमारा जो। ये है हमारे जोलो चिप जिसको हम शेयर करेंगे। तो जैसे कि हमें अंकल ने कहा था एक में दो चिप होते हैं, तो हमें शेयर करके बांट के खाएंगे और देखेंगे कि कौन कितनी देर तक अपने हीट लेवल को बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। पर जो भी सबसे पहले ये अमूल कूल खोल के पिएगा वो हार जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं किसमें स्पाइस लेवल, स्पाइस एंड्योरेंस किस में ज्यादा है, ठीक है? एसी में क्या प्रॉब्लम है? अबे पागल, ये भी एसी तू बोलेगा 16 पे रख। ऐसे नहीं होता, ऐसे बॉडी का बॉडी जब हीट। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो वीरान और क्रिश हमें हेल्प करेंगे शूट करने में। सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर ऐसे खोलना, इसके अंदर है क्या? भाई इसकी पैकिंग तो तगड़ी है। सिर्फ यहाँ पे एक्सपेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और ये किस किस चीज़ से बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ मेड विथ कैरोलाइना रीपर, जो वन ऑफ द हॉटेस्ट पेपर बोला जाता है वर्ल्ड के। और इसको खाने के बाद क्या क्या होगा उसमें ये भी लिखा हुआ है। आप ढंग से बोल नहीं पाओगे, आपका मुंह जलेगा, और आप बोल सकते हो कि आप आपकी जो आंखें हैं वो आंसू से लगातार बहती रहेगी, जिससे आप कुछ देर तक शायद देख भी ना पाओ ढंग से, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मौत आ सकती है। तू ओवरऑल ठीक है। कौशल को जैसे मैंने बताया रेस्ट इन पीस हो सकता है, तो कौशल का रिएक्शन ही बदल गया पूरा। तो जैसे आप ये खोलते हो वैसी ये हमारा चिप है, जो मुझे लगता है इसका साइज काफी छोटा लग रहा है। एक ही है भाई, वो एक ही है। No, ब्रेक करना पड़ेगा। इट्स टू, अरे दिख रहा है अंदर, देखना अंदर दिख रहा है। अरे अंदर ये भाई, भाई ये देखो। एनी लास्ट वर्ड्स, कोई आखिरी शब्द है तुम्हारे पास? भाई तू क्या बोलेगा? गद्दे पप्पा मोरिया। भाई मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, मेरा पूरा पप्पा मोरिया। Let's start. सुनो, ये खोलने के बाद कोई भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि और यहाँ पे टिश्यूज भी है, अगर किसी को चाहिए इधर टिश्यू।
सब सेफ्टी है भाई। गॉड प्लीज सेव अस। अपेक्षा नहीं भाई, आराम से बोला हूँ। मैं बोला था कुछ चॉकलेट है, इट्स नॉट अ चिप ब्रो, ये हॉटेस्ट चॉकलेट है, इट्स नॉट अ चिप। हॉटेस्ट चॉकलेट चिप देखने वहां पे लिखा है उन्होंने। मैं जस्ट वन जोलो चिप, इट्स वन चिप ब्रो। इसको हाफ करना पड़ेगा, मुझे लगता है हमारे साथ थोड़ा सा स्कैम हुआ है यहाँ पे। हमें लगा था कि ये डोरेटो का एक चिप आएगा, बट इसके बदले हमें मिला है ये चॉकलेट बार। ये देखो, हॉटेस्ट चॉकलेट चैलेंज, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। मैंने बोला था दिस इज द फर्स्ट कॉपी ऑफ जोलो चिप्स। मैंने तोड़ दिया है और ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इक्वली होगा। राइट वाला मेरा लेफ्ट वाला दोनों हाथ में पकड़ो मेरे कौशल का भाई। क्यों क्यों पागल है और ये दो उसको मिलना चाहिए। तो ये देखो हाथ में बर्न नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, दिस इज अ ठीक है जो वर्जन ऑफ व्हाट वी आई बट स्टिल इंग्रेडिएंट को सेम। लेट्स गो पूरे एक साथ मुंह में डाल देना, जो भी बर्न होगा अंदर होगा भाई। नहीं ए इधर नहीं, इधर नहीं, आई एम पुटिंग इट ऑन मी। नहीं मैं इसमें से दूंगा, मैं छोटा हूं। क्यों नहीं ना नहीं भाई, क्या कर रहा है यार भाई, तू भाई जरा तोड़ रहा है। नहीं तो ये ले, कम ले रहा है, एक्स्ट्रा है देख तेरा। नहीं तू ईट एवरीथिंग। नहीं नहीं पूरा खाने का। आर यू मैड? पूरा खाने का, पूरा पूरा छोटा पूरा खाने का। पूरा खाने का ये क्यों कहूं? नो नो जस्ट गेट इट लिटिल, लेट्स आई मैड दैट विल बी पेनफुल। ठीक है पूरा खाने का, हां दैट विल बी पेनफुल ब्रो। पूरा खाने का, पूरा खाने का, दैट्स द चैलेंज। पूरा खाने का, चिल्ली पिल्ली में रखूंगा। नहीं नहीं ये पूरा एक साथ। नहीं अरे अपेक्षा भाई इधर गिर रहा है। 3 2 1 गो। बराबर से च्यू करना सब। जो स्टार्ट अब दिखा रहा है। मुझे हिकअप्स आने लग रहे हैं। और वीरेन मेरा मुंह खोल के देखो मैं। वीरेन कैसा लग रहा है? Why was it so long? Bye.
चेहरा देखो उधर उठता घूमो मत भाई। क्या हो गया वीरेन, कैसे लग रहा है? दे 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 अमन बोल दे। भाई इसको कुछ भी नहीं हुआ है। इधर देख कौशल ना, आंख में आंसू है। दर्द दस कर आखिर आखिर ले 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 भाई। विनर कौन है? विनर भाई, विनर भाई। मत दे वीरेन, मत पे, एक दो घंटा और रुक जा। आराम से गाइस, आराम से। मान गए गुरु, कौशल को मान गए। कौशल तेरा एक्सपीरियंस कैसा है? मेरे को यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा है। सेम बट नहीं, मेरे को सिर्फ माउथ में फील हो रहा है। एकदम तीखा लग रहा है सिर्फ माउथ में। जब तक है ना तब तक अच्छा लग रहा है, जैसे घुट रहा है उसके बाद वापस से जल रहा हूँ, यहाँ पे जल रहा हूँ। जो हाउ यू फीलिंग नाउ? ग्रेट ग्रेट, वन टाइम एक्सपीरियंस वर्थ। Do you want people to try this at home? I actually want people to try this because like I said it's one time experience and you don't die. क्या हुआ भाई कौशल, क्या हो गया? क्या हो गया भाई, पेट दर्द हो रहा है? दोस्तों हम लोग को एक ट्रेन मिस करनी पड़ी बिकॉज कौशल और मेरे दोनों के पेट में दर्द होने लग गया अचानक से। कौशल और जैसे ही मुझे दर्द हुआ वैसे ही कौशल को भी दर्द होने लग गया। पता नहीं क्या चल रहा है, मेरा रुक गया था, अभी रुक गया था। मैं जैसे ही ऑफिस में बैठा था थोड़ी देर के लिए रुक गया था। जैसे ही हम थोड़े स्टेयर चलने लग गए ना तो ये वाला पार्ट मेरा दर्द कर रहा है, ये वाला। अभी थोड़ी देर पहले जब कौशल और मैं खड़े थे तो हमारा पेट दर्द हो रहा था, पर जैसे ही हम ऐसे क्रंच करके बैठे तो हम अच्छा लग रहा है। ट्रेन भी आ गई है, खड़े उठेंगे तो वापस से दर्द होगा, बैठेंगे तो ठीक होगा। देखते क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं चल रहा हूँ ना, मेरा पेट इतना हर्ट कर रहा है ना, मैं अभी घर पे बैठा हूँ, मैं बैठा ही हूँ, अरे चलने बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये करने के लिए। अगर आपकी हीट लेवल झेलने की ताकत नहीं है तो मत कीजिएगा। देखो पेट बहुत जल रहा है। मम्मी ने मेरे लिए बीटरूट और एप्पल का जूस बनाया, मैं वही पीता हूँ और थोड़ा ऑरेंज खाऊंगा। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सब पेट क्या इतनी ख़राब हो रखी है कि मैं खड़े सीधा नहीं हो पा रहा हूँ। अब मेरे को डकार आ रहे हैं तो मुझे पूरे जल रहा है। मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से मुझे झक मार के अपने लिए ब्रेड और श्रीखंड ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया था कि ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया आप हनी ले सकते हो, आप ब्रेड ले सकते हो, आप योगर्ट ले सकते हो, आप चीनी ले सकते हो। तो मैंने सोचा मैं ब्रेड और श्रीखंड खाता हूँ, उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज तो मेरी हालत बहुत टाइट हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ऑनलाइन चेक किया कि जोलो चिप्स खाने के बाद क्या क्या करना चाहिए, और वहाँ से मुझे पता चला कि ब्रेड के स्लाइसेस खाने चाहिए, और मैंने वैसे ही किया। तो अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपेक्षा, कौशल और जो को, और विरांग और क्रश को भी कि उन्होंने शूट किया, बट बाकी तीनों ने मिलकर मेरा साथ दिया इस चैलेंज को पूरा करने में और आप सबको एंटरटेन करने में। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। और इसी के साथ दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए सी या